हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैसे कि हेडलाइन को आप देख सकते हैं कि अदानी की एक और कंपनी का आ रहा आईपीओ। कब तक होगी लिस्टिंग, जानिए डिटेल। और यहां पर हम देख सकते हैं आगे अदानी एयरपोर्ट आईपीओ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी भी अभी शायद नहीं होगी इसके ऊपर। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 2 महीने पहले के आसपास जो है इसके ऊपर एनालिसिस की थी कि ये आईपीओ आ सकता है, मतलब कभी भी। अभी इसकी जो है कब तक आ सकता है वो भी हम देखेंगे। अगर आप नए इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और चलिए आगे देखते हैं कि अदानी समूह की एक और कंपनी की शेयर बाज़ार में लिस्टिंग हो सकती है। खबर है कि समूह अपने एयरपोर्ट कारोबार को लिस्ट करने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदानी एंटरप्राइज वित्तीय वर्ष 2028 तक अपने एयरपोर्ट के कारोबार को लिस्ट करने पर विचार करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अदानी के नेतृत्व वाला समूह चालू वित्त वर्ष 2025 FY25 में इक्विटी के जरिए $2 बिलियन से $3 बिलियन के बीच जुटाने की योजना बना रहा है। अब ये साल 2028 को सुनकर मतलब कि भाग मत जाइएगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो इसके ऊपर जो है ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आईपीओ आता है तो निवेशकों को एक अच्छा फायदा हो सकता है अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो। आगे देखते हैं कि बता दें कि अदानी एंटरप्राइज के शेयर आज मंगलवार को BSE के ऊपर पिछली बार 0.80% की गिरावट के साथ 3170 रुपये के आसपास जो है कारोबार कर रहे थे। क्या है डिटेल ये देख लेते हैं कि CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह अपने एयरपोर्ट कारोबार को वित्त वर्ष 2027-28 तक लिस्ट करने की तैयारी में है। बता दें कि साल 1994 में प्रमुख कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद से अदानी एंटरप्राइज ने 6 अन्य स्वतंत्र व्यवसायों को स्थापित और लिस्ट किया है। इससे इनका संयुक्त मार्केट कैप $10 बिलियन से अधिक है। बता दें कि अदानी एंटरप्राइज के पास देश में 8 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 7 चालू है और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म केंटर फिट्ज़गेराल्ड ने अदानी एयरपोर्ट के कारोबार का वैल्यू जो है वो 1622 प्रति शेयर आंका है। क्या है ब्रोकरेज की राय, तो बता दें कि इस साल की शुरुआत में ब्रोकरेज फर्म केंटर फिट्ज़गेराल्ड ने स्टॉक पर बाय रेटिंग और 4368 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया था और अभी के प्राइस से भी ये अच्छा खासा ऊपर है। तो इसके ऊपर अगर आप चाहें तो जो है गिरावट में नज़र बना के रख सकते हैं, अगर कोई भी गिरावट आती है अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो। अब आगे देखते हैं, इसने अपने नोट में लिखा कि अदानी एंटरप्राइज का मूल्यांकन 3 मुख्य व्यवसायों द्वारा संचालित होता है, जिनमें से प्राथमिक हवाई अड्डा व्यवसाय है। और इधर जेफरीज ने भी 3800 रुपये जो है प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ अदानी एंटरप्राइज को खरीदने की सलाह दी है। इसने हाल ही में अपने नोट में लिखा है कि कंपनी का टारगेट निजीकरण योजना के तहत नए हवाई अड्डों के लिए बोली लगाना है। और बता दें कि जेफरीज और केंटर फिट्ज़गेराल्ड जो दो ऐसे एनालिसिस्ट हैं जिनके पास अदानी एंटरप्राइज पर कवरेज है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो आप अदानी एंटरप्राइज के ऊपर चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं, गिरावट में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा इस रिपोर्ट के अंदर भी अभी 3160 के आसपास शायद ये कामकाज कर रहा है, तो इसके ऊपर आप चाहें तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो अगर जो है अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो कहीं अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर डेली और या फिर टाइम टू टाइम हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।